सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, सामान्य ही है स्थिति वहां पर। मैं आपको थोड़ी डिटेल बात इसलिए बताना चाहता हूं सभापति महोदय, कि देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई गलत आशा नहीं होगा, मगर फैली हुई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त कर दी, रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए माननीय, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं, एक नागरिक। सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या माननीय, पेट्रोल डीजल केरोसिन एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है, कहीं कोई कमी नहीं। गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूं। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22.58 लाख मैट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। 2018 में मैं बताता हूं, बाद में आप पूछे मैं बताता हूं, एक बार सुन तो लीजिए। Please, sir, Ajay ji, no, please, this is a matter concerning the safety, security of the people and national unity. I don't want any controversy to arise now. Please, Manyavar, what is to be allowed, what is not to be allowed, to be decided by the chair. Ambika ji, please, but you can discuss it by giving a notice separately, exhaustively also. He asked for normalcy to be restored totally. Manyavar, Gulam Nabi sahab ne maniye sadasya ka upar sawal dhyan se nahi suna hai. Unhone pucha kab tak sthiti samanya hogi? तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है, वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं हो। नहीं, वो भी बताता हूं, मैं वो भी बताता हूं। प्लीज, पूरे से बाहर की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड़ के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है, और उसके तहत लगभग 6,000 मैट्रिक टन से ज्यादा सेव नाफेड़ ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है, राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है, 59 लाख मोबाइल, देयर इज नो रूल फॉर मेकिंग कमेंट्स लाइक दिस, पूरे चालू है। अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे, जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए। साहब, मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ओके, इस तरह से आप गुलाम नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। प्लीज,
You give a notice and we have some people have given notice. I have already discussed with the Home Minister. एक घंटे की चर्चा के लिए भी तंग We will be having a discussion on this subject. Yeah. Now I already talked to him and he was ready to accept it all. मान्यवर Right. उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार सभी टीवी चैनल चालू है उनका सर्कुलेशन लास्ट टाइम के लास्ट ईयर के अनुकूल ही है मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है शुरू के तीन दिन छोड़कर एक दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं दोपहर को बंद रहती है शाम को फिर से शुरू रहती है सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,196 दिस इज ए नेशनल इश्यू प्लीज बेयर फॉर अदरवाइज आई वुड नॉट हैव अलाउड प्लीज 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं राइट अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए इसमें 98.3% वोटिंग राइट और विशेष रूप से कहना चाहता हूं निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है गृहमंत्री जी गृहमंत्री जी गृहमंत्री जी जवाब देने का जरूरत है नथिंग शैल गो ऑन रिकॉर्ड मान्यवर ये तो कह मंत्री जी प्लीज आगे बढ़िए आई हैव द अदर क्वेश्चन मान्यवर एक प्लीज ये तो रिकॉर्ड में नहीं जा रहे नहीं नहीं वी शुड नॉट गिव एनी रॉन्ग मैसेज टू द वर्ल्ड कम्युनिटी प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन लिबरल दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज कंसर्न नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड ए कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ओके वी विल गो टू नेक्स्ट प्लीज Question number 35. We'll have a discussion separately. Manish Gupta ji.